नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज। इस वक्त की खबर प्रयागराज से। पावर हाउस के संविदा कर्मियों ने बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर पर लगाए गंभीर आरोप। पीडी पावर हाउस के संविदा कर्मियों ने मानदेय न मिलने पर पावर हाउस पर धरना प्रदर्शन पर बैठे। जनपद प्रयागराज यमुना पार के पीडी पावर हाउस में कार्यरत संविदा कर्मियों ने सुबह से ही धरने पर बैठे हैं। यह बातचीत करने के दौरान बताया गया, 3 से 4 महीने से मानदेय कम मिलने के कारण नाराज चल रहे थे। त्योहार को मद्देनजर रखते हुए सभी संविदा कर्मियों को एसडीओ और जय के माध्यम से मानदेय बहाल किया गया है। संविदा कर्मियों का आरोप है, पूर्ण मानदेय न देने के कारण सुबह से ही पीडी पावर हाउस के अंतर्गत आने वाले सभी फिटर को बंद कर दिया गया है और तत्कालीन धरने पर बैठ गए हैं। एसडीओ से बातचीत करने के दौरान बताया गया कि जल्द ही संविदा कर्मियों के मानदेय को लेकर के एक बड़ा और ठोस कदम उठाया जाएगा, लेकिन संविदा कर्मियों का कहना है कि पूर्व मानदेय बहाल होने के बाद पुनः सप्लाई को सुचारू रूप से चालू कर दिया जाएगा। पावर हाउस के अवर अभियंता धीरज बंसल से बातचीत करने पर बताया गया कि संविदा कर्मचारियों का फुल पेमेंट नहीं काटा जा रहा है, हाफ पेमेंट काटा जा रहा है और सही तरीके से कार्य न करने की वजह से संविदा कर्मियों की मानदेय काटा गया है। एसडीओ आशुतोष मिश्रा ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। विनोद कुमार मिश्रा सब स्टेशन ऑपरेटर, अनुराग शुक्ला एसएसओ सब स्टेशन ऑपरेटर, लाल बहादुर शर्मा एसएसओ सब स्टेशन ऑपरेटर, योगेंद्र पाल एसएसओ हेल्पर, आदर्श पटेल एसएसओ हेल्पर, हरिशंकर पांडे एसएसओ हेल्पर, दीपपाल एलएमएच लाइनमैन हेल्पर, सुनील यादव एलएमएच लाइनमैन हेल्पर, लोलाकर सिंह एलएमएच लाइनमैन हेल्पर, संजय शुक्ला एलएमएच लाइनमैन हेल्पर, अभिजीत पांडे एलएमएच लाइनमैन हेल्पर, अंकित प्रजापति एलएमएच लाइनमैन हेल्पर, अजय कुमार मिश्रा एलएमएच लाइनमैन हेल्पर। सर, संविदा कर्मी जितने भर हैं सब धरने पर बैठे थे, क्या मामला था पूरा? नहीं, संविदा कर्मियों को कुछ समस्याएं थी, वेतन संबंधी समस्याएं थी जिसका उनको पूरा सॉल्व किया जाएगा, उसके लिए आश्वासन दिया गया है और अगले महीने जो भी कमियां हैं दूर होंगी और उनकी सारी विसंगतियां जो भी हैं वेतन आने से लेके मतलब जो कटे हुए वेतन है अगले महीने सारा कुछ सही हो जाएगा। सर, एक मामला प्रकाश में ये आ रहा है कि जो संविदा कर्मी हैं वो क्षेत्र में जाते हैं कार्य वगैरह के लिए, वो सारा चीज़ सही है, लेकिन ये संविदा कर्मियों को ये आरोप है कि हमको ना भेज के किसी दलालों को लेकर के जेई साहब जाते हैं वहाँ पे बिजली वगैरह चेक करवाते नहीं, हैं नहीं, जो संविदा कर्मी है यही हमारे स्टाफ हैं, जो कार्य होते हैं इनको साथ लेकर होती है, ऐसा तो कुछ नहीं हमारे परिचय। मैं आशुतोष मिश्रा एसडीओ नैनी। संविदा कर्मी जो है धरने में बैठे हैं मानदेय को लेकर, क्या था मामला? सर, मामला इसमें यह था कि आप खुद ही माही गाँव में गए थे उस दिन, जनता द्वारा कितना शिकायत किया गया था उसी के कारण इन लोगों का वेतन कटा था। उस मामले को देखते हुए पब्लिक से आप खुद ही रूबरू हैं। वो तो ठीक है सर, लेकिन जो बताया जा रहा है कि बीते 3-4 महीने से लगातार जो यहाँ के कर्मचारी उनका पेमेंट वगैरह काटा जा रहा है। 3-4 महीने से हर एक आदमी का तो पेमेंट नहीं काटा जा रहा है, फुल पेमेंट तो नहीं काटा जा रहा है, 4 दिन का 5 दिन का ऐसे काटा जा रहा है। और कितना ये लोग काम कर रहे हैं सभी लोग जान भी रहे हैं अच्छी तरह, जो सच्चाई है आप भी जान रहे हैं उसको। हालांकि अगर देखा जाए तो क्या निस्तारण निकाला गया है अभी? निस्तारण इसमें उपखंड अधिकारी आए हैं, उन्होंने निस्तारण निकाल दिया है, लाइन चालू करवा दी है, इन लोग को समझा दिया गया है ये लोग कायदे से काम करेंगे, किसी का वेतन नहीं कटेगा, अब आगे से उपखंड अधिकारी ही इन लोगों का वेतन लगाएंगे। परिचय आप? धीरज बंसल, अवर अभियंता।